Assalamualaikum my dear friends, welcome back to my channel. कैसे हो सब? उम्मीद अच्छे होंगे. तो गाइज अभी मैं एक शॉप में आई हूँ जहाँ से मुझे ना कुछ चाहिए माइक्रोफोन वगैरह मोबाइल के लिए, क्योंकि व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ ना तो काफ़ी नॉइज़ होता है आसपास. तो कुछ अच्छा सा माइक्रोफोन चाहिए था आईफोन के लिए, लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि अभी टाइप सी वाले सारे आ गए हैं पोर्ट. तो ये लाइटनिंग पोर्ट था जो कि मेरे मोबाइल के लिए परफेक्ट था, लेकिन मैंने सोचा इसको ऐसे ही ले जाती हूँ. नॉर्मल डिवाइस ही तो है, घर जाके चलेगी डेफिनेटली, हमेशा चलती ही है ना. तो इन्होंने बोला नहीं नहीं इसको चेक करके जाते हैं, फिर बाद में ना फालतू में फंस जाएंगे. तो जैसे ही हम लोग चेक करने गए तो सैमसंग मोबाइल में चल रहा था लेकिन आईफोन में चल ही नहीं रहा था. तो भाई हमारी किस्मत ये थी कि हमें ये मिला ही नहीं. और उसके बाद जो है मैं चॉकलेट वगैरह लेने चली गई और ये आ गया चॉकलेट हमारा. इमान मोबाइल गिर गया, उठाओ. ये मोबाइल से मुझे सादिया का कोरिया वाला की स्टोरी याद आया. कौन सा गाड़ी? गाड़ी साइड. अरे आपको याद है क्या हुआ था इटावा में? क्या आपने एक मोबाइल उठाया था? बोलो बोलो क्या था? सादिया ने मेरे एक नया मोबाइल उठाया था और वो मोबाइल असल में डुप्लीकेट रेप्लिका था. बोलने की चीज थी. चलो एक चीज मुझे लेनी है, मजेदार चीजें घर लेके जा रही हूँ. सोचा है कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह करूंगी. सो लेट्स गो, यहाँ से कुछ चीजें खरीदते हैं फिर जाते हैं घर और देखो आज मैं क्या करती हूँ. तो गाइस क्योंकि विंटर आ रहा है ना, अभी तक बांग्लादेश में इतना अच्छा अच्छा विंटर आया नहीं है. हल्का हल्की सी ठंड आई है, पाकिस्तान में काफ़ी ठंड आ चुकी है लेकिन इधर जो है ना हल्की फुल्की सी है. तो विंटर में बांग्लादेश में क्या होता है कि ये जो पीठा है ना चावल से बनी हुई चीज़ें ये बहुत ज़्यादा होती है. और एक मज़े की बात ये है कि ये चीज़ें ना औरतें ही सेल करते हैं रास्ते में बना के एज ए स्ट्रीट फूड. तो इतना इतना अच्छा लगता है ना मुझे जब कोई औरत काम करते, कोई औरत बिजनेस करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है, फीमेल पावर यू नो. तो अभी जो है ना मैंने इधर से कुछ 15 लेके जा रही हूँ पीठा घर के लिए और फिर जो है ना मैं उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट भी करूँगी आज. और ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट चटनी होते हैं, श्रिम्प चटनी, मस्टर्ड सीड चटनी और मिर्ची की चटनी और यहाँ पे भी कुछ है, पता नहीं क्या है ये चीज़. तो ये सारी चीज़ें मिला मिला के पीठा के साथ खाते हैं. लेकिन आज जो है ना मैं सोच रही हूँ कुछ मज़ेदार एक्सपेरिमेंट करूँगी. तो चलो वो तो घर जाके ही करेंगे, लेकिन अभी देख लो ये कैसे करते हैं. मिट्टी का जो चूल्हा है उसमें एक सेरामिक का बर्तन रखते हैं, फिर उसमें ये डाल देते हैं पीठा. और वहाँ पे दूर साउल मार्ट है और यहाँ पे हमारा देसी जो है स्ट्रीट फूड है. तो मैंने देसी फूड जो है ना वो चूज किया. आर्यन मामा तुम्हारे लिए एक नई चीज लेके आई है, पता है क्या है? क्या है ये? आइस केक. ओ शाबाश आर्यन, ओ माय गॉड, शाबाश आर्यन. उसे पता कैसे चल गया? देख के हैं सदिया मम्मा राइस का, उसको कैसे पता चला? हमने तो पीठा कहते हैं इसको, केक कोरियन में कहते हैं राइस केक ना. हाय अल्लाह, थोड़ा तो मम्मी खाए, थोड़ा टेस्ट तो करे. बच्चा खाने से पहले माँ टेस्ट करते हैं ना कि अच्छा है कि नहीं है, बच्चा मेरा खाए कि नहीं है. ये बच्चा तो मुझे टेस्ट ही नहीं करने दे रहा, मैं कैसे टेस्ट करूं? अंदर ही रहो. नमक थोड़ा ज्यादा है. ज्यादा बहुत ज्यादा है. थोड़ा आयरन तो आयरन खाने में तो हम थोड़ा सा नमक डालते हैं, लेकिन चलेगा, इसको मजा ही आएगा. अभी दादी के साथ बैठ के अकेले अकेले इसने खाया है अंडा. दादी के साथ क्या खाया है? कौन है? दादा आया, दादा को, दादा को केक खिलाओ, दादा को खिलाओ, दादा को केक दे के आ जाओ, दादा थोड़ा थोड़ा खिलाओ. पेन केक, इटा पेन केक बोले, इटा पेन केक. मैं से कहूँ कि पेन केक बना के देती हूँ ना, इसलिए बोल रहा है पेन केक. उसको पता नहीं है राइस का ही हेल्दी है ना, खाए. गुड 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 गुड. बोसे बोसे खाओ, खाओ बोसे बोसे खाओ. जो अब्बा बोल रहा है मस्ती करता है, जो जंप करता है, जंप. गाइस 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 मापू ने पीठा खाया और पीठा के अंदर से ये क्या निकला है भाई? आज टका का सोने का मुहर. ये पीठा के अंदर से निकला? अरे गलती से आटे में गिर गया होगा ना.
यार ये भी होता है, ये हो ही सकता है इंस्टीट्यूट में। अच्छा हुआ कि कॉइन ही निकला, क्या पता ये किसी का लकी लकी हो, लकी निकल गया। दे दो इमामों को दे दो। तो गाइस आज मैंने सोचा है मैं कुछ वियर्ड जो खाना होता है ना वो कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहती हूँ। मतलब नॉर्मली तो हम लोग हर चीज हमें पता है कि हमें पिज्जा के साथ ये खाना है और इसके साथ ये खाना है उसके साथ वो खाना है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो मैं बस ट्राई करना चाहती हूँ कि कैसा होता है, क्या फील होता है अगर आप कुछ ऐसा खाओ जो आपने कभी नहीं खाया। तो जो है ना ये हमने राइस केक लिया है आज, तो ये नॉर्मली बांग्लादेश में चटनियों के साथ खाते हैं, तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं ये जो राइस केक है चावल से बना हुआ जस्ट सिंपल चावल, तो इसको ना क्यों ना मैं ट्राई करूँ कुछ चॉकलेट से। तो पहले मैं सोच रही थी थोड़ा डार्क चॉकलेट ले जाऊँ, फिर मैंने सोचा डार्क चॉकलेट में एक बिटर टेस्ट आएगा, तो इससे अच्छा मैं कुछ मीठा लेके जाती हूँ। तो मैं जस्ट ये एक चॉकलेट सिंपल सा लेके आई हूँ, अभी इसको हम ना क्या करते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं और लेट्स सी क्या होता है। तो सबसे पहले इसको करते हैं अनबॉक्स। इतने टाइम मैंने चॉकलेट नहीं खाया यार, वेट लॉस के जर्नी के चक्करों में, डाइटिंग के चक्करों में, लेकिन आज मैं कैसे चॉकलेट खा लूंगी पता नहीं। ये देखो इतना कूल चॉकलेट, जिस जिसको चॉकलेट पसंद है उसके लिए हो रही है ये चॉकलेट की अनबॉक्सिंग। वाओ इमोन चाहिए तुम्हें। तो गाइस ये जो है ना पूरा ही चॉकलेट हम कर देते हैं मेल्ट। ओके और अभी जो इसको कैसे मेल्ट करूँ, आई थिंक ओवन में जस्ट डाल देने से मेल्ट हो जाना चाहिए मेरे ख्याल में, नहीं मेल्ट हुआ तो फिर लेस सी क्या करें। तो मैं ये मेरे लिए अलग से पीछा रख दिया, सारे घर वाले चुप 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 करके खा लिया, लेकिन मैं जो है वो अलग से खाना चाहती हूँ कुछ समथिंग न्यू, तो इसलिए ये मेरा पीठा है ठीक है। और ये जो है ना हमारा चॉकलेट देखें मेल्ट नहीं हुआ यार, क्या कहोगे मेल्ट ही नहीं हुआ, थोड़ा और मेल्ट कर, अरे हो तो गया, ये देखो ये देखो गरम बहुत होगा, मुंह हाथ लगाओ गरम है, हाँ थोड़ा बहुत गरम है। तो गाइस फाइनली जो है ना मैं अपने रूम में आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं कुछ चॉकलेट्स वगैरह ये वो चीजें लेके आई हूँ, चलो लेट्स सी कैसे होता है। तो अभी सबसे पहले ये चॉकलेट अच्छा खासा लेके, फिर ये आप लोग अपना राइस केक और इसमें ये सारा चॉकलेट जो है ना अच्छे से लगा दो यार। आई थिंक ये वाला कॉम्बिनेशन ना खराब नहीं होगा, मैंने सोचा था मैं थोड़ा वियर्ड चीज कुछ ट्राई करूं जो वियर्ड, तो ये भी है कि लेकिन ये चॉकलेट से खाते नहीं है नॉर्मली, चॉकलेट पेनकेक हो गया ये तो, चॉकलेट राइस केक। हाँ राइस केक। तो चलो गाइस ये जो है ना हमारा देखो ऐसे कुछ रेडी हो चुका है, अभी इसको ना हम टेस्ट करते हैं। दिखने में लग रहा है उल्टी क्योंकि चॉकलेट के साथ कभी भी ऐसी चीजें ट्राई नहीं की, लेकिन चलो लेट्स सी देख लो कैसा लग रहा है। अभी ना इसको हम ट्राई करते हैं, पता है कैसा लग रहा है अंदर से, तो ऐसा है गाइस राइस केक, लेकिन इस चॉकलेट के साथ राइस केक पीठा ऐसे मिक्स हो गया, ब्लेंड हो गया, ऐसा लगता है मैंने इतना बड़ा जो है ना चॉकलेट का बाइट लिया है, खाली चॉकलेट। इसका मतलब अच्छा लग रहा है। मैं तो कहूंगी कि इसको अगर 10 में से हम लोग इसको 10 में से कितने पॉइंट्स दे, तो हम इसको 9/10 दे सकते हैं, इतना टेस्टी है। तो वाफल वाफल कुछ ऐसा तो नहीं, वाफल वाफल नहीं, अभी जो है ना इमोन को थोड़ा टेस्ट कराते हैं। इमोन ये वाला ट्राई करो, ट्राई करो। मुझे तो काफी 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 मजा आ गया, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, और दूसरी बात कि इतने दिन से चॉकलेट नहीं खाया, आई थिंक इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा लग रहा बहुत ही। हाँ बहुत अच्छा कैसा, कितने 10 में से कितने पॉइंट दोगे? 8, 9, 10 नहीं, 10 में से एग्जैक्टली कितने पॉइंट दोगे? 8। ठीक है तो गाइस ये वाला जो है ना एक्सपेरिमेंट काफी काफी अच्छा रहा, चॉकलेट प्लस पीठा राइस केक, गुड गुड गुड।요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩한 고민이 생겼니 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 형제지